की कोई भी चीज मिष्ठान्न की हो बाहर से नहीं आनी चाहिए, वो पाउथ ही हो जाती है। पाव था भोग कभी थोड़े ही लगाया जाता है। फल को कहा जाता है कि वो पाव था नहीं होता है, तो कभी भी कोई बाहर की चीज नहीं आवे, ऐसा भोग नहीं लगाना चाहिए। बल्कि तुम बच्चे हो उनके, तो जब शिव बाबा को भोग नहीं लगाते हैं तो ये क्यों लगा दे? तो ये जो वहां की मिठाई बना करके आते हैं वो तो बहुतों के हाथ लगते रहते हैं। ये धक्का खाने वाली चीज है, पावती हो जाती है, तो पावती चीज भी भोग नहीं लगाई जाती है। इसलिए भोग सदैव ताजा बने, उनको लिख देवे कि भोग किसी का भी नहीं लगेगा जो बन करके आएंगे, तो ताजा ही भोग बनेगा। देखो गुरुद्वारा है, वहां रोज प्रसाद बनता है, सिवाय प्रसाद के वहां कोई भी चीज नहीं लगती है, और बहुत शुद्धता से ले आते हैं। अच्छा श्रीनाथ द्वारे में प्रसाद लगता है, वो भी ताजा मिठाई फिर प्रसाद होकर के फिर बांटी जाती है। वो प्रसाद लेकर के चले जाते हैं माइलों दूर, बहुत दिन लग जाते हैं। अभी तुम हो शिव बाबा के बच्चे, जैसे शिव को नहीं वो छी छी भोग लगाना चाहिए, वैसे वास्तव में ये भी नहीं लगाना चाहिए। मिठाई वगैरह कुछ भी आवे तो वो ताजी आवे, ताजी लगे, तुमको भी भोग ताजा लगाना चाहिए। सो बनाते हैं, किसी बच्चे ने कहा भोग हमेशा ताजा ही लगता है बाबा, हम तो ताजी टोली ही खिलाते हैं। कुछ भी भोग के ऊपर बन सकता है, भोग 50 रुपए का भी बन सकता है, 100 रुपए का भी बन सकता है, लेकिन ताजा।